नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इस स्टॉक 68.70 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 0.23% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 7,865 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू इसकी 2.29 है। डिविडेंड यील्ड 0.15% है एंड फेस वैल्यू 1 है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम, इसका रिजल्ट आया है एंड डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एक्सप्लेन किए हैं। वैसे इस स्टॉक की हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक तो आप देख सकते हैं जाके। अभी के लिए देखिए तो स्टॉक 50-200 ईएमए दोनों से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है एंड 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे, एंड यहाँ पे देखें 1 मंथ के टाइम स्पैम पे, क्योंकि इसका पी का मीडियम जो है वो चेंज होता रहता है ऑफकोर्स विद टाइम विद ग्रोथ एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे इसका मीडियम है लगभग 98 के आसपास एंड पी जो है 118 पे है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे जो ये आया था दिसंबर का, एक मिनट थोड़ा सा 5 ईयर्स पे करते थोड़ा क्लियरली दिखे, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो डाइव डाउन किया है, बट अभी ये जो दिसंबर का रिजल्ट आया था इसमें सेल्स बहुत अच्छी आई थी, रेवेन्यू काफी अच्छा आया था एंड इस बार का रिजल्ट आ चुका है। रेवेन्यू में बहुत छोटा सा हिकअप मिला है हमें, बट डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए आज हमें मिला है एक बहुत अच्छा स्पिनिंग टॉप, एंड स्पिनिंग टॉप वैसे ही होता है कि चढ़ती मार्केट में वो रिवर्सल होता है बेसिकली। जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रही हो तो नीचे जाएगी, अगर नीचे जा रही हो तो ऊपर जाएगी। अभी के लिए हमें स्पिनिंग टॉप यहाँ पे जरूर मिला है, बट इसमें एक और फैक्टर चेक करने वाला है कि अपने यहाँ पे सपोर्ट को भी स्ट्रांगली शो कर रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बना के चला है। अब इसकी एंट्री एंड बाकी सारी चीजें डिस्कस करने से पहले हम चलेंगे बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड न्यूज आई है आज 3, जिसमें से 2 न्यूज जो है उसकी है रिजल्ट की है एंड सेम न्यूज है दोनों, एंड एक जो है उसमें बताया है कि इन्वेस्टर्स को लेके बाकी सारी चीजें उनकी प्रेजेंटेशन है। तो चलिए विदाउट एनी ड्यू चलते हैं हम रिजल्ट पे। तो देखिए इनका आया है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आया है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डिक्रीज मिला है इसको। ये सारी फिगर्स जो हैं वो लैक्स में है, तो 20,144.14 लैक्स जो था प्रीवियस क्वार्टर में था, एंड इस क्वार्टर में है 18,790.26 लैक्स। मतलब पहले था 201 करोड़ के आसपास, अभी है 187 करोड़ के आसपास, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखा जाए तो 173 करोड़ के आसपास था। तो वहां से हमें ऑफकोर्स जंप देखने को मिला है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन जंप देखने को मिला है। तो एक चीज मैं यहाँ पे पहले ही रिजल्ट जो हम रीड करेंगे उस पर एक चीज पहले ही मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है हमारा, तो ज्यादा फोकस जो है ऑफकोर्स क्वार्टर रिजल्ट तो हम देखेंगे ही, बट ज्यादा फोकस जो रहेगा वो हमारा ईयरली पे रहेगा कि ईयरली हमें किस तरीके का जंप देखने को मिला है एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं इसमें डिटेल में भी देखेंगे हम। तो अभी अगर ईयरली देखें हम कि 2023 में जो आया था मार्च में, इसमें जो आया था ईयरली जो सारे क्वार्टर्स को मिला के आता है, ठीक है, जो 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 सबको मिला के जो आता है, तो 2023 में रहा था ईयरली 31,260 लाख एंड इस बार रहा है मतलब 312 करोड़ का रहा था पिछली बार, एंड इस बार रहा है 624 करोड़ का। बहुत बड़ा जंप है, मतलब डबल से ऊपर का जंप है यहाँ पे। तो ये एक क्या, ये चीज वैसे क्या इंडिकेट करती है कि इनका फ्यूचर विजन जो है काफी अच्छा है एंड कंपनी ग्रो कर रही है। शॉर्ट टर्म में कई बार हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो डेफिनेटली आया है, 187 करोड़ का प्रॉफिट बहुत बड़ी बात होती है, बट यहाँ पे सॉरी रेवेन्यू बहुत बड़ी बात होती है 187 करोड़ का, बट यहाँ पे ये जरूर देखने को मिला कि थोड़ा सा डाउन जंप मिला है। तो देखिए बिजनेस में ऊपर नीचे हमेशा चलता ही रहता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा ही हो, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो महीना होता है मार्च का, ये जो क्वार्टर होता है इसमें सारे टैक्सेस एंड एवरीथिंग सारा कुछ भी जाता है, तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि फर्क डाल देता है। बाकी लोग डिफरेंटली भी सोच सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 20,261 था एंड टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 19,085 आया है। यहाँ पे अदर इनकम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आई है,
बट इतनी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ही मिनिमम सी अदर इनकम है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो हमें जंप देखने को मिला है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। ओके तो अब चलते हैं हम एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस के लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं रिमूव। तो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस आए हैं, ज्यादा डिटेल में जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक्सपेंसेस की बात करते, एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली इस बार कम आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, छोटू सा हमें डाउन देखा गया है यहाँ पे। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो भी हमें यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा हमें जंप देखा गया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कंपनी ग्रोथ के पीरियड में है तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस तो होंगे राइट, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा है हमारा। हमारा प्रॉफिट जो रहा है बिफोर टैक्स वो रहा है 27 करोड़ के आसपास का, 2692.26 लाख का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 3510.09 लाख का। तो मतलब पिछली बार था 35 करोड़ के आसपास एंड इस बार है 27 करोड़ के आसपास। ठीक है, एंड प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो हमें बहुत तगड़ा जंप मिला है, मतलब 12 का डबल होता है 24, मतलब डबल से ऊपर का जंप मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे देखा जाए अगर सिर्फ हमें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो उसके ऊपर हम मेन फोकस करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी लगभग डबल से ऊपर का जंप है। एंड इसका फिगर जो बनती है बेसिकली ईयर ऑन ईयर वो 104% के आसपास का जंप मिला है। ठीक है, 100% से ऊपर का जंप है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड टोटल कितना बनता है हमारा, वो बनता है हमारा लास्ट टाइम आया था सारे ये डिफर इनकम टैक्स एंड इनकम्स को मिला के सारा, ये माइनस हुआ है ये प्लस हुआ है क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा इसको मिला के किया जाए तो अभी हमारा रिजल्ट जो प्रॉफिट जो रहा है वो रहा है 21 करोड़ का एंड लास्ट टाइम था 27 करोड़ का। तो मतलब 6 करोड़ के आसपास का हमें यहाँ पे डाउन जंप देखने को मिला है। बट अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखा जाए तो आप ये देखिए पिछली बार था 6 करोड़ 41 लाख का राइट, एंड इस बार कितना है, इस बार है 21 करोड़ 13 लाख का। तो ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप है, और ईयरली तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखा जाए तो 3682 लाख का था, यहाँ पे 7983.83 लाख का है, तो ये काफी अच्छा। तो बेसिकली अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मुझे लगता है रिजल्ट काफी अच्छा आया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एंड जो कंपनी होती है वो ग्रोथ का जो रेट दिखाया है एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि रिजल्ट काफी अच्छा आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज हुई है जो थोड़ी सी कंसर्न की है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मेरे को लग रहा है रिकवर कर लेंगे। यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो अर्निंग पर शेयर है ना वो डिक्रीज हुआ है, लास्ट टाइम था 0.25 एंड इस बार है 0.19। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.28 था एंड यहाँ पे 0.19 है। ये थोड़े से कंसर्न की ऑफकोर्स बात है हमारे पास, बट अगर ईयरली हम देखें तो लास्ट जो आया था फोर क्वार्टर्स का उसका एवरेज बनता था 0.38 एंड इस बार है 0.74। तो सिर्फ हम क्वार्टर का ना देखें, ईयरली देखें तो ये बहुत अच्छा जंप यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको एक बार रिमूव करते हैं। एक और चीज है यहाँ पे थोड़ी सी जो हमें देखनी पड़ेगी, दैट इज यहाँ पे बोरोइंग का दिखाया है कि बोरोइंग का कैसे कैसे है। तो यहाँ पे ना दो तरह की बोरोइंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म जो होती है हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड करनी होती है, बट ये ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड करनी है, कोई कैरी फॉरवर्ड भी कर देते हैं। एंड लॉन्ग टर्म जो होती है, लॉन्ग टर्म में होता है कि उनका अपना पीरियड होता है या कैरी फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, बट शॉर्ट टर्म की यूजली जो होती है वो होती है उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोरोइंग एक ये है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई है, प्लीज समझ जाइएगा, ये ऊपर वाली लाइन है। तो लास्ट क्वार्टर में, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये 2023 में था, तो आ गए हम उसी प्लेस पे। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में जो था वो 42.65 लाख थी एंड यहाँ पे है 465.27 लाख। तो ये ऑफ कोर्स हमारा है कि यहाँ पे ज्यादा हमारे पास आई है बोरोइंग। एंड एक ये बोरोइंग है हमारी जो कि बड़ी है इस बार, लास्ट टाइम थी 4597.28 लाख एंड इस बार है 5615 लाख।
तो ये है। अब देखिए, इसने जब हमारे इसने ओवरड्राफ्ट भी लिया था 100 करोड़ का, एंड राइट इशू भी आया था हमारा, तो बड़ी सारी चीजें होती है जिसको करके ये हो जाता है। अब एक और न्यूज आई है, तीन न्यूज आई है, तो उसमें मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि जो हमने अभी डिस्कस किया बेसिकली वही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज अप्रोक्स 100%। फाइनेंशियल ईयर जो था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये था 312 एंड इस फाइनेंशियल ईयर में है ये 624। तो मतलब 100% इसकी ग्रोथ है। 314 का डबल 624 ही होता है, तो 100% के लगभग की इसकी ग्रोथ है। ठीक है, एबिटा की बात करें तो 87% की ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था ये 14.46 करोड़ का, एंड उसके बाद ऑफ लास्ट ईयर टू दिस एंड करंट ईयर में है ये 58.04 करोड़ का। तो ये भी एक चीज है। यहाँ पे है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ कितनी है, 104% की है। लास्ट टाइम था 49.22 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100.22 करोड़ का, तो 104% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। ठीक है, अब एक और न्यूज है, वो ये है कि इन्होंने किया है डिविडेंड अनाउंस, एंड डिविडेंड जो है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, इसको हम रिमूव कर देते हैं। डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड भी कुछ खास बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है यहाँ पे 0.20 पैसे पर इक्विटी। 20% का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो काफी अच्छा डिविडेंड है। मतलब मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि अगर मैं साउथ बैंक की, अभी मैंने वीडियो बनाई उसका भी रिजल्ट आया है, उसकी बात करूं तो वहां पे डिविडेंड जो है वो 30 पैसा उन्होंने दिया है, उसकी डिविडेंड यील्ड इससे काफी ज्यादा है, एंड मुझे लगता है काफी अच्छा डिविडेंड दिया है। मतलब जिनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में है स्टॉक्स, तो उनको तो मेरे को लगता है कि 5-10 हजार ऐसे ही आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए हम चलते हैं फिर से चार्ट पे एंड देखते हैं कि इसका कैसे असर पड़ सकता है। देखिए, अभी आ गए हम चार्ट पे। देखिए, मुझे ये लगता है कि रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है, ग्रोथ पीरियड में है, एंड फ्यूचर का विजन इनका बहुत अच्छा है, बट जैसे कि बोलते हैं भाव भगवान है, राइट? तो अब ये सारी चीजें जो है, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये क्योंकि जो ये डिटेल में वीडियोस बना रहे हैं कि कैसा है, क्यों ये चीजें आई हैं ऐसे, एंड क्या डिटेल में हो सकता है, सारी चीजें कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं, एंड लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि फियर होता है कि अरे ये स्टॉक नीचे गिरा, ये फिर से चला जाएगा नीचे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे जा सकता है। हालांकि ये अपने स्ट्रांग सपोर्ट पे है, बट कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये स्टॉक हमें इसके आसपास ट्रेड करता हो, 66 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, या फिर इसके आसपास 65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से ये यहां तक जा सकता है। जस्ट ए सेकेंड, इसका परसेंटेज चेक कर लेते हैं, 2.36% या फिर 4.45%। तो मुझे लगता है कि इतना हम हिकअप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कल की मार्केट में मुझे लगता है कि अगर एंट्री बनानी हो तो मैं अभी एंट्री के लिए तो मैं बिग नो बोलूंगी फ्रेश एंट्री के लिए। अगर जिन्होंने लिया है और जिनके पास ये न्यूज पहुंच रही है कि रिजल्ट अच्छा है, जिन्होंने ये डिकोड किया है, तो मुझे लगता है कि वो बने रहेंगे, एंड अक्यूमुलेट यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाएगा। अगर स्टॉक हमें 65.7 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखिए, मुझे लगता है कि न्यू पोजीशन बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे तो मुझे लगता है हमारे 65.55 स्टॉप लॉस रहना चाहिए। यहां से मुझे लगता है रिवर्सल मिल सकता है, ये भी जरूर है कि रिवर्सल मिल सकता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस जो है वो 64.50 का लेके चलूं। मैं पर्सनली अगर यहाँ पे हूं तो मैं यही स्टॉप लॉस लेके चलूंगी, 64.50 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगी, एंड यहां से मुझे लगता है कि रिवर्सल बड़े आराम से मिल सकता है अगर नीचे जाता है 65.55 पे। फ्रेश एंट्री की बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि फ्राइडे है कल, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। मार्केट में वैसे देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट, बड़ी बार ऐसा होता है कि रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है और मूव नहीं मिलता, और बड़ी बार ऐसा होता है कि रिजल्ट गंदा आया है और लोगों को लगता है, वैसे तो ये रिजल्ट गंदा नहीं आया है, बट लोगों को भाव भगवान से, जो लोग ढंग से डिकोड नहीं कर पाते न्यूज को, उनको ये लगेगा अरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन जंप मिल गया, तो ये अच्छा नहीं है रिजल्ट। बट लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि ये बेसिकली क्या है, क्या क्यों है, ईयर ऑन ईयर क्या है, क्या ग्रोथ दिख रही है एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट है। तो जब तक लोगों को समझ आएगा वो, तो मुझे लगता है अकोमोडेट, जिनको लोगों को समझ है वो अकोमोडेट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि RSI हमें थोड़ी सी नीचे जाके इस पॉइंट पे 63.74 पे सेटल होती हुई मिले, एंड वहां पे होती है तो हो सकता है हमें मंडे को मूव देखने को मिले।
अब लेट्स सी कि क्या होता है, और अगर हमें मूव मिलता है तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है 72-73 के पॉइंट तक मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा सा मूव मिल सकता है। जैसे हम यही टारगेट लेके चले हैं इस वीक के एंड तक के, मतलब फ्राइडे तक के हम यही टारगेट लेके चले, तो अभी मैं यही टारगेट लेके चल रही हूँ। स्टॉप लॉस जरूर लेके चले अगर फ्रेश एंट्री बनाते हैं। एंड रेस्ट, आज की वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है काफी कम, 11 मिलियन का वॉल्यूम आया है आज, जो कि काफी कम वॉल्यूम है। एंड सबको पता था कि रिजल्ट आने वाला है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा हो जाता है कि कैसा रिजल्ट आएगा एंड एवरीथिंग, तो बट फ्लक्चुएशन इसमें काफी देखी गई है, नीचे भी जाता रहा है, रिवर्सल भी इसको मिला है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, 67 से इसको रिवर्सल भी मिला है। इसका लो देख लेते हैं कितना लगाया, 67.50 इसने यहाँ पे आज लो लगाया है, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास से इसको रिवर्सल भी मिला है। अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, मैं तो पर्सनली उम्मीद करूंगी कि यहाँ से चला जाए एंड सबको समझ आ जाए कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं पर्सनली ये उम्मीद करूंगी, बट मेरे बोलने से नहीं होता ऑफकोर्स कुछ, राइट। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये वीकेंड के वही टारगेट लेके चले। अब कल देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट इन्वेस्टर्स और बाकी सारी चीजें किस तरीके से रिएक्ट करती हैं इस रिजल्ट पे, एंड फिर उसके बाद कल हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। रेस्ट, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।